अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। 1 सितंबर से 10 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एनुअली? तो इसका सही जवाब है ए, 5 सितंबर। दिस डे इज ऑर्गेनाइज बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2012। क्वेश्चन नंबर 2, डिफेंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एनुअली इन पाकिस्तान? तो योम दिफा जो है ये मनाया जाता है 6 सितंबर को। इट इज़ अ नेशनल डे टू कमेमोरेट द सेक्रीफाइसेज ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स इन द वार ऑफ 1965। क्वेश्चन नंबर 3, एयरफोर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एनुअली इन पाकिस्तान? तो इसका सही जवाब है ए, 7 सितंबर को जो है पाकिस्तान में योम फिजाइया मनाया जाता है। This day is also celebrated as a national day to mark the role of Pakistani Air Force in the war of 1965. Question number 4, International Literacy Day is being celebrated on which date annually? तो International Literacy Day किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, 8 सितंबर को जो है वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। दिस डे इज प्रपोज्ड बाय यूनेस्को इन 1966 टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एनुअली? तो इसका सही जवाब है बी, ये दिन भी 8 सितंबर को मनाया जाता है। This day is observed to generate awareness about the role of physiotherapy in life of any individual in the society. Question number 6, World Suicide Prevention Day is being observed on which date annually? तो खुदकशी से परहेज का या बचाव का जो आलमी दिन मनाया जाता है वो कौन सी तारीख को है? तो इसका सही जवाब है सी, 10 सितंबर। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड सिंस 2003 टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सुइसाइड। ये 2003 से जो है मनाया जाता है ये दिन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रणब मुखर्जी फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डाइड ऑफ कोरोना वायरस एट एज ऑफ 84 ऑन 31 अगस्त 2020, विथ विच पार्टी ही बिलोंग्स? तो इसका ताल्लुक जो है वो किस पार्टी से था? तो इसका सही जवाब है बी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही वॉज 13th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्राम 2012 टू 2017। तो ये 2012 से 2017 तक इंडिया के 13वें प्रेसिडेंट जो है रहे। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली हेल्ड इन सितंबर 2020 वर्चुअली फर्स्ट टाइम? तो इसका सही जवाब है बी, 75th। Due to coronavirus, virtual session held in which Pakistani Prime Minister Imran Khan also delivered a speech on video link on 25th September 2020. तो इसमें जो पाकिस्तानी PM हैं इमरान खान, तो उन्होंने जो स्पीच की वीडियो लिंक के थ्रू वो 25 सितंबर 2020 को की थी। क्वेश्चन नंबर 9, When Kingdom of Saudi Arabia opened air route for Israeli flights? तो इसका सही जवाब है बी, 2nd सितंबर।
दिस मूव टुक प्लेस आफ्टर डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन यूएई एंड इजराइल. क्वेश्चन नंबर 10. द साइंटिस्ट डिटेक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल. हाउ मेनी टाइम्स इट इज लार्जर देन द सोलर मास. तो इसका सही जवाब है ए 142 टाइम्स. ये जो है ये लार्ज है सोलर मास से. इट लाइज विद इन दिस इंटरमीडिएट मास रेंज बिटवीन स्टेलर मास एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. क्वेश्चन नंबर 11. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनॉग्यूरेटेड रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट फॉर होम ऑन 10th सितंबर 2020. तो इसका सही जवाब है सी ओवरसीज पाकिस्तानीज. दिस इनिशिएटिव वुड एनेबल ओवरसीज टू ओपन बैंक अकाउंट विदाउट विजिटिंग एनी बैंक ब्रांच एम्बेसी और कौंसलेट फॉर फंड ट्रांसफर एंड पेइंग यूटिलिटी बिल्स. क्वेश्चन नंबर 12. विच पाकिस्तानी अमेरिकन मैन्स नेम लिस्टेड 66th इन 400 richest अमेरिकन अकॉर्डिंग फोर्ब्स. तो फोर्ब्स के मुताबिक कौन से जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन पर्सन ने उसका नाम जो है वो 66 नंबर पे आया है 400 richest जो अमेरिकन हैं उनकी लिस्ट में. और ये जो लिस्ट है ये फोर्ब्स ने रिलीज़ की है. तो इसका सही जवाब है बी शाहिद खान. हिज टोटल वर्थ इज $7.8 billion. द फाउंडर एंड CEO ऑफ अमेजोन जेफ बेजोस इज द richest मैन इन द वर्ल्ड. तो दुनिया में अगर पूछा जाए कौन है richest तो वो जेफ बेजोस हैं. और ये जो है अमेजोन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और इसके फाउंडर भी हैं. क्वेश्चन नंबर 13. हु इज द इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. तो इसका सही जवाब है सी अमरुल्ला साले. अशरफ गनी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. तो अशरफ गनी जो हैं ये प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अमरुल्ला साले हैं. क्वेश्चन नंबर 14. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. तो इसका सही जवाब है ए मॉन्ट्रियल कैनेडा. इट इज अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स एयरलाइन फाउंडेड ऑन 19th April 1945. इट ऑर्गेनाइजेज टेरिफ कॉन्फ्रेंसेज दैट सर्व्ड एज अ फोरम फॉर प्राइस फिक्सिंग. क्वेश्चन नंबर 15. हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट VC ऑफ बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी. तो इसका सही जवाब है बी असगर जैदी. द यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन ननकाना साहिब पंजाब एंड इट्स फाउंडेशन स्टोन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ऑन 28th October 2019. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर MCQs के साथ. तो हमारे वीडियो में हमारे साथ रहिए और इसको शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हमारे करंट अफेयर्स की इस वीडियो से मुस्तफीद हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.